एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। बीती रात पेंगोंग लेक के पास ये झड़प हुई है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश और ताजा विवाद सुलझाने के लिए बैठक जारी है। तो जरा देखिए, जो ड्रैगन है वो अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा है। गलवान घाटी में जो हुआ उसके बाद ये कोशिश की जा रही थी कि इसके बाद चीन ऐसी हरकत ना करे। बाकायदा अधिकारी स्तर की बातचीत हो रही थी, लेकिन अब पेंगोंग लेक के अंदर झड़प हुई है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश है, लेकिन ये पेंगोंग लेक में फिंगर किसकी तरफ और कौन सी फिंगर तक उहाने की कोशिश कर रहे थे खुलासा नहीं, लेकिन एलएसी पर 29 और 30 अगस्त को ये झड़प हुई है। अब ताजा विवाद को सुलझाने के लिए एक बार फिर से बैठक का दौर जारी है। इस दौरान आपको बता दें कि चीन के अंदर बाकायदा एक सर्वे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किया गया था, जिसमें 50% लोग प्रधानमंत्री मोदी को सही मानते थे, उनके प्रति प्रभावित थे, लेकिन उसी सर्वे में 70% लोग ये कह रहे थे कि जवाब देना चाहिए। आप समझिए चीज को, तो यानी कि पहले वो सर्वे करा के जनमत की तरफ देखा गया कि जनमत क्या चाहता है, और उसके बाद फिर यह हिमाकत कर दी गई। जिस तरीके से चीन के अंदर लोकतंत्र की आवाज उठ रही है, खंड खंड चीन आगे बढ़ रहा है, उसको एकजुट करने के लिए इस तरीके की ताकत दिखाई जाती है। और वैसे भी चीन विस्तारवादी सोच के साथ काम करता है, और भारत साफ साफ कह चुका है कि विस्तारवादी सोच 21वीं सदी में नहीं चलेगी। अगर आपको बदलनी है सोच तो विकासवादी सोच की तरफ आइए। और इसीलिए सेना लगातार अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रही है, फिर वो चाहे गलवान घाटी हो या फिर पेंगोंग लेक हो। एलओसी पर 29 और 30 अगस्त को झड़प हुई थी, और झड़प को लेकर लद्दाख में बैठक चल रही है। भारतीय जवानों ने पेंगोंग लेक पर पीएलए को रोका है। विवाद दरअसल कई पॉइंट को लेकर है, उन पॉइंट में से एक पॉइंट पेंगोंग लेक का भी है। अब अधिकारी स्तर की बैठक चल रही है, और यह बैठक लद्दाख के अंदर चल रही है। बॉर्डर पर लगातार चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश, हिमाकत, और उसको मुंहतोड़ जवाब देती हुई भारतीय सेना। 29-30 अगस्त को एक बार फिर से झड़प हुई। गलवान घाटी में मूंगकी खाने के बाद अब पेंगोंग लेक के अंदर चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और उसको रोकने की पुरजोर ताकत भारत के पास है। भारत ने एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन ये जो झड़प हुई है उसके बाद फिर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लद्दाख के अंदर बैठक हो रही है, हो सकता है कि एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए कि आप इस हिस्से से आगे नहीं आएंगे और हम इस हिस्से से आगे नहीं आएंगे। हालांकि ये मिनिमम प्रोग्राम बहुत बार बन चुके हैं, लेकिन चीन बाज नहीं आता, और जिस मिनिमम प्रोग्राम के तहत उसको जहां तक रुकना चाहिए वो हमेशा उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ये चीन विस्तारवादी सोच के साथ काम करता है, और उसको रोकने की जिम्मेदारी भारत ने उठा रखी है। भारत अपनी सीमाओं को न सिर्फ मजबूत कर रहे हैं, बल्कि सड़क मार्ग को बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है, ताकि डिप्लॉयमेंट में दिक्कत ना आए। चीन ये बहुत लंबे अरसे पहले कर चुका है, और अब भारत ये कर रहा है, और इसी से भारत की इन विकासवादी सोच से चीन को समस्या है, चीन को दिक्कत है। उसको लगता है कि उसके वर्चस्व को सबसे बड़ा खतरा भारत है, और यकीनन है, इसलिए लगातार इस तरीके की झड़प सीमाओं पर होती है, क्योंकि चीन अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, और भारत किसी भी कीमत पर अपनी जमीन का एक इंच देने को भी तैयार नहीं है। सैनिक लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, फिर चाहे गलवान के अंदर मुंहतोड़ जवाब देना हो, 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों के ऊपर हमला करना हो, उनको खदेड़ना हो, या फिर पेंगोंग झील के अंदर मुंह तोड़ जवाब देना हो। हालांकि इस दौरान जो झड़प हुई है उसका परिणाम क्या रहा, किन मुद्दों को लेकर यह हुआ, ये अभी तक तय नहीं हो पाया, ये जानकारी बाहर नहीं आई। लेकिन लद्दाख के अंदर बैठक चल रही है, दोनों तरफ के सैन्य अधिकारी इसमें मौजूद हैं। ये पता चल चुका है कि 29-30 अगस्त की एक घटना है, जब पेंगोंग लेक के अंदर